हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो आज बहुत दिनों बाद हम लोग दोबारा से आए हैं और अपनी सफारी के बारे में आप लोगों को पता ही है, हमारे पास तो पुरानी वाली सफारी है 2.0 डार्क एडिशन, बट आज हम आप लोगों को कुछ और दिखाने वाले हैं। तो अपनी पुरानी सफारी तो आपने देखी हुई होगी, राइट? सो इससे तो हमने काफ़ी सारी ट्रिप्स करी हैं, आप लोगों ने बहुत मज़े लिए हैं इसके, लेकिन अब आज हम नई वाली सफारी भी लेके आए जो इसके भी बाद वाली है, वो है एडास वाली। तो नई वाली एडास वाली सफारी के बारे में भी बताएंगे और आपको उसके ओनर से भी मिलवाएंगे। आइए आपको मिलाते हैं मिस्टर रितेश जी से, जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी हैं, है, पुराने बहुत 13 साल से। यस, और हम लोगों ने मतलब मैंने पहले सफारी ली, फिर उसके बाद इन्होंने ली, तो वो सारी चीज़ें अभी इनसे ही जानते हैं कि इन्हें कैसा लगता है, बताइए रितेश जी। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है अभी तक बहुत अच्छा है, और इस सफारी को लेने का जो आइडिया था वो भी राजेश से ही मिला मुझे, क्योंकि आज से शायद आई थिंक लास्ट अगस्त 2022 में मैं राजेश से मिला था, जो मैंने पहली बार इसकी कार देखी थी, एंड तभी मैंने सोच लिया था कि हाँ सफारी के लिए ही प्लान करना है, क्योंकि पहले हम MG के लिए और XUV700 के लिए भी ट्राई कर रहे थे, बट आफ्टर ड्राइविंग दिस मशीन हमने ये सोचा कि हम सफारी ही अपनी ट्राई करेंगे। बट उसमें क्या था कि जो उस समय न्यूज़ थी कि इसके अंदर ADAS आने वाला है और 360 कैमरा आने वाला है, सो फॉर दैट रीज़न मैं रुक गया था इतने दिन के लिए। रितेश, पहले तो सबसे पहले सबको ये बताओ कि तुम्हें ये गाड़ी लिए हुए कितना टाइम है? सो मुझे अभी आई थिंक शायद 20 दिन ही हुए, 20 या 22 दिन हुए, 6th of April को डिलीवरी हुई है मेरी गाड़ी की, एंड दिस इज़ द फर्स्ट कार ऑफ नोएडा जिसमें ADAS आया। सो ये हमारी पहली कार की डिलीवरी हुई थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा। क्या जैसे कि तुमने पहले ये वाली सफारी चलाई थी, फिर उसके बाद तुमने अपनी ये वाली सफारी ली, दोनों के चलाने में कोई डिफरेंस समझ में आया? सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो मैंने राजेश की कार सिर्फ एक बार चलाई है, उसके बाद कुछ टेस्ट ड्राइव्स ली थी मैंने, दो बार शायद टाटा के शोरूम में, बट ओवरऑल जो पावर है दोनों गाड़ियों मुझे सेम ही लग रही है, और बिल्कुल नया, जैसे मेरा इंजन नया है तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल स्मूथ है, एंड मैंने राजेश की भी चलाई है, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है। इंजन तो देखो सेम ही है, बट ये है कि क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है तो उसका रिफाइनमेंट बढ़ गया है। एग्जैक्टली, और इसकी अभी तो पहली सर्विस भी नहीं हुई है, तो जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे इंजन खुलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जो पंचनेस पहले है वो आगे भी वैसे ही। एग्जैक्टली, वही टाटा का एक जो प्लस पॉइंट है कि इसकी जो आपको इसको चलाने में एक बीस्ट वाली फीलिंग आएगी कि हाँ आप कुछ बड़ा चला रहे हो। तो मैंने XUV700 की भी टेस्ट ड्राइव ली थी, बट उसका स्टेयरिंग इतना स्मूथ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक कोई सेडान कार चला रहा हूँ, एक वो पावर फील नहीं हो रही थी हाथ में जो कि इसमें आपको फील होगी, जबकि कहते हैं कि उसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है जो कि नंबर्स पे भी पेपर से भी है, पेपर से भी ज़्यादा है। तो फिर भी लेकिन महिंद्रा और ऑब्वियसली उसका स्टेयरिंग लाइट है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका स्टेयरिंग बहुत हार्ड है, टाइट है, तो वो इस वजह से ये नहीं लेना चाहते, तो तुमने फिर भी इस तरफ क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल हैवीनेस पसंद है गाड़ी में, और नहीं तो फिर मैं सेडान भी ले सकता था, फिर मैं एसयूवी की तरफ जाता ही नहीं, राइट? तो मेन रीज़न यही था कि इसका जो एक आपको चलाने में हैवीनेस फील होती है वो एक इसका प्लस पॉइंट है फॉर मी एटलीस्ट। ये सेम रीज़न मेरा भी है, बट देर आर लॉट ऑफ अदर रीजन जो कि आपके भी होंगे, बिल्कुल, तो वो हम लोग अभी बात करते हैं। सो अभी इसमें कुछ करवाया है गाड़ी? अभी कुछ नहीं करवाया इसके अंदर, ये बिल्कुल रॉ है जैसा कंपनी से आई थी। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ अभी भी, ये अभी भी लगे हुए इसके अंदर सागर मोटर से, दोनों गाड़ी हमारी सागर मोटर से निकली है जी, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसके अंदर, आगे प्लानिंग है हमारी PPF कराएंगे इस पे, और दोनों साथ में जाएंगे PPF के लिए भी, यहाँ भी जाएंगे, अभी कुछ नहीं करवाया, अभी बिल्कुल रॉ है गाड़ी, जैसे शोरूम से निकली थी वैसी ही है। अंदर गाड़ी में तो चल के देखें, आपको पता होगा कि गाड़ी पुरानी वाली कैसी लगती है, क्योंकि नई वाली तो चलाते हुए आपको 20 दिन हो गए, तो एक बार इसमें बैठ के देखते हैं कि क्या डिफरेंस लग रहा है, फिर उसमें चलेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। ओके, ऑलराइट, आहा, ओके ओके। तो पोजीशन, सीटिंग पोजीशन, ये वैसे मेरे हिसाब से सेट है अभी। डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस आपको जो नई वाली हमारी सफारी में मिलता है वो वेलकम सीट का है, जो मुझे एक यूजफुल फीचर लगा, बिकॉज जब आप
गेट खोल के उतरने के लिए रेडी होते हो, तो अगर आपका पोजीशन बहुत ऊपर है, लाइक अभी मैं ऊपर बैठा हूँ क्योंकि राजेश ऊपर चलाता है, तो आप जब उतरोगे तो आपको, जैसे जो हमारे ऐसे लंबे चौड़े लोग हैं उनके लिए ये लगेगा, ठीक है, लग सकता है आपको एनीवेज। तो उसमें क्या होता है, आपका वेलकम सीट में ही नीचे चला जाएगा बिल्कुल, और आपको उतरने के लिए बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। पहला डिफरेंस जो है वो वहाँ पर ये ज़्यादा बेटर है। देन आपका एक ये जो आ जाता है क्लस्टर, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो उसमें नया है, हरमन का है। स्पीकर्स उसके अंदर JBL के ही हैं, बट ये आपका सिस्टम उसके अंदर नया है। करेक्ट, इसके लिए तो बहुत लोग बोल रहे थे कि ये हमें नया चाहिए, नया चाहिए, और वो आ गया फाइनली हरमन का सिस्टम। एक तो उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका स्क्रीन साइज बड़ा है इससे, एनीवेज आपको जो इंट्रैक्शन एरिया है वो मुझे उसमें ज्यादा बड़ा लगा, इजीली एक्सेसिबल है। देन उसका जो मैंने और रिव्यूज देखे हैं पुराने हमारे, उससे बहुत ज्यादा रिफाइंड है इसका क्वालिटी, ठीक है। आपका जो टच एक्सपीरियंस है इस फार बेटर देन, हाँ वो तो है। ये देखो आप, टच एक्सपीरियंस इसका उतना अच्छा नहीं, देखो लैगनेस दिख रही है, लैग करता है, बट और इसका बहुत ही स्मूथ है। करेक्ट, ठीक है। ये हमारा एक जो जिनको इंफोटेनमेंट सिस्टम का शौक है, जैसे कि हम लोग हैं, तो जैसे MG में अगर देखोगे आपको एक पूरा आता है वहाँ पे स्क्रीन, तो उनका प्लस पॉइंट है। टाटा को कुछ ऐसा फ्यूचर में सोचना चाहिए, बट अभी के लिए दैट इज गुड जो उनका नया अपडेट आया है। एंड ओवरऑल मतलब बाकी सब कंट्रोल सेम ही है हमारे पास। आपका एक चीज की है कमी, और वो मैं आपको उस वाली गाड़ी में चल के बताऊंगा। बिल्कुल, हम कि एक चीज मिस है यहाँ से, या मैं अभी बता देता हूँ, वहां पर आपको दिखाऊंगा कि वो है कि नहीं। तो हमारे पास ना मैजिक बटन्स है। ओके, तो इसमें क्या है कि आप ड्राइव करते समय आपको होम पे आना है, आप सीधे इसको क्लिक करोगे और होम पे आ जाओगे, राइट। आपका कुछ फेवरेट ऐप आपने लगा रखे, आप क्लिक करोगे वहीं आ जाओगे। म्यूजिक आगे पीछे करना है, फोल्डर्स ऊपर नीचे करने हैं, वो यहाँ से भी होते हैं और स्टीयरिंग से भी होते हैं। लेकिन ये जो दो फीचर्स है ना, बड़े हैंडी हैं। और जैसे अगर मेरे को फोन कनेक्ट करना है तो वो उसके लिए ये वाला भी है। दैट्स अ गुड फीचर, वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वो सारा, क्योंकि टच स्क्रीन में चला गया है। बट ये जो आपका आप जो बता रहे हो होम वाला, ये आपके पास सारे आइकन ऊपर आ जाते हैं, दैट इज इजीली एक्सेसिबल, रादर देन आपका फिजिकल बटन के दोज आर द टच स्क्रीन वाले हैं। सो दिस इज अवेलेबल, बट दैट्स द गुड फीचर। आप वन टच आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो, बट इन माय कार आई हैव टू क्लिक मल्टीपल टाइम्स टू रीच फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। राइट, तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पर हैं। ऑब्वियसली ये जो अपना क्लस्टर है इसमें भी चेंजेस हैं। राइट, क्योंकि हमारा जो क्लस्टर है तो आधा डिजिटल है और आधा उसका पूरा ही डिजिटल है। वो पूरा डिजिटल है। आई थिंक दैट इज ओनली इन द टॉप मॉडल, वो आपका मतलब आई थिंक XTA प्लस में भी है। ओके, हाँ वो मुझे मेरा टॉप मॉडल का मुझे कंफर्म है। राइट, क्योंकि मैंने किसी की XMAS देखी थी, उसमें 2000 XM में नहीं होगा। हाँ, तो उसमें XTA में मिलेगा, XTA में मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं उस वाली गाड़ी में और आपको वहां पर डिफरेंस दिखाते हैं, वहां पर नंबर ऑफ फीचर्स दिखाते हैं, टाटा ने क्या क्या नया ऐड किया है। अब हम लोग चल रहे हैं अपनी नई वाली एडास वाली सफारी में। ऑलराइट, दोबारा से बंद कर लूं मैं। हाँ, अरे वाह, वेलकम फीचर है, सीट अपने आप से धीरे धीरे ऊपर उठ गई है, वेरी नाइस। और जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि घुसते ही देखिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको थोड़ा सा पूरा डिजिटल सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जिसके बारे में भी बता रहे थे, ये पूरा काफी बड़ी स्क्रीन है, राइट, ये 10.25 इंच आई थिंक, और स्क्रीन की क्लैरिटी जबरदस्त है। ये तो ऐसे लग रही है आईफोन चला रहे हैं। आईफोन चला रहे हैं आप, कोई लैग नहीं है स्क्रीन में, ठीक है। इनिशियली देयर वाज सम प्रॉब्लम कि आपका कार प्ले नहीं आया था, राइट, बट वो इसके लॉन्च के विद इन 10 days आई गॉट ए कॉल कि आप अपना अपडेट करा लो सिस्टम आके। हाँ, तो उन्होंने अपडेट कर दिया था, उसके बाद उसके अंदर कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों परफेक्टली काम कर रहे हैं। बढ़िया, और अभी ये कारप्ले से कनेक्टेड है। And I'm not sure ये पहले चलता था कि नहीं, मैं टीम्स कॉल भी ले पाता हूँ। हाँ, ये चलता है, टीम भी चलता है, जूम भी चलता है। Okay. बस गूगल मीट इस पे डायरेक्टली नहीं चलता, वो आप फोन से ऑन कर दो तो इस पे दिखाने लगेगा। तो जो मैं वहां पर मैजिक बटन्स बोल रहा था, तो वो हमारी वाली गाड़ी में यहाँ पर थे, वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ऑब्वियसली ये सारे ऑप्शंस यहाँ है, यही होम बटन है, यही होम बटन है, तो ये सारा टच है। तो मतलब बेसिकली ये है कि गाड़ी चलाते समय आपको एक बार स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। Exactly. लेकिन उस वाली में आपको नहीं देखना है, तो प्लीज
वो बटन यहाँ भी दे दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। और बाकी जो एक चीज़ मैंने अभी क्विकली नोटिस करी वो ये था कि हमारे पास यहाँ पे दो नॉब्स भी हैं। एक नॉब था हमारा उस वाली गाड़ी में जो कि मेरा वॉल्यूम कम ज़्यादा करता था और ऑन ऑफ भी करता था, अगर मेरे को इसको ऑफ करना है तो वो एक बटन था, एंड देन एफएम या गाना वाना चेंज करने के लिए भी यहाँ पर वो नॉब था, उससे भी मैं चेंज कर पाता था। वो दो नॉब्स भी यहाँ पर नहीं है, तो जैसे मुझे वॉल्यूम कम करना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से तो कर ही लेता हूँ, बट कभी कभी होता है ना कि यहाँ से मैंने कम कर दिया, या जो बगल में जो को पैसेंजर बैठा है उसको चेंज करना है तो वो यहाँ से चेंज कर ले। क्लैरिटी वाइज रितेश, आपकी गाड़ी में एकदम जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है इसका जो नया सिस्टम है। इनिशियली एक दो बार मुझे प्रॉब्लम आई थी, लैग कर रहा था, बट उसके बाद से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे व्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ, व्यू बहुत प्यारा है। अच्छा, इसमें एक बार एयर प्यूरीफायर वाला आप दिखाओ कि यहाँ पे कैसे दिखता है। आपको यहाँ दिख जाए। ओके, एक बार इस पे आ जाते हैं जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। गाड़ी मैंने ऑन कर ली और ऑन करने के बाद अब मुझे जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो कर रहा है वो अभी ट्रिप बी लगा हुआ है, सिटी मोड में है गाड़ी, ओडो पे 837 किलोमीटर दिखा रहे हैं और गाड़ी पार्किंग मोड में लगी हुई है। फ्यूल का भी गॉज दिखा रहा है, ठीक है, और एफएम पे दिखा रहा है 93.5 लगा, तो मतलब ये सारी डिटेल्स हैं। ये ओडो के ऊपर ये जो छोटा सा दिखा रहा है टिल्टेड, ये क्या आपका लेन का साइन है जो एडास का फीचर है। ओ, तो ये ग्रीन रहता है जब तक कि आप अपनी लेन में रहोगे जी। अगर कोई भी आप इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ये रेड करता है कि यू आर जस्ट चेंजिंग योर लेन, तो ये सारे यहाँ पे शो करता है। करेक्ट, और मुझे एक ऊपर नॉर्थ भी दिख रहा है, तो ये आपका ये है मैप। तो क्या जो अगर मैप मैं चलाता हूँ यहाँ पर, नहीं अपने ये आपका जीपीएस से चलेगा, आप किस डायरेक्शन में हो ये जीपीएस कंपास, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे वो दिखाएगा। अगर आप साउथ वेस्ट चल रहे हो अच्छा, तो वहाँ SWR आ जाएगा। समझ गया मैं। तो ये इस गाड़ी के अंदर जो इनबिल्ट कंपास है okay. उसके लिए है, क्योंकि नाम सफारी है गाड़ी का, तो फीचर्स भी उस तरह से फिर सफारी वाले ही है। जी बिल्कुल। तो अब मैं थोड़े से इसके मोड्स चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो ये ट्रिप ए लग गया, ये मेन मेन्यू पे जाने के लिए है, बीच वाला बटन दबाओ। ओके, हाँ। तो मैं मेन मेन्यू आपके पास ये सारे फीचर्स हैं जो भी है। ओके, जैसे आप नेक्स्ट करोगे ड्राइव असिस्ट तो ओके करिए आप इसको। ओके करता हूँ मैं। अब आप जस्ट स्क्रॉल इट डाउन तो ये आपको दिखाएगा, ये वो फीचर है आपका अटेंशन कि आप ड्राउसीनेस कितनी है, आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके अंदर सेंसर है, इट विल डिटेक्ट और आपको बताएगा कि आप परफेक्टली फाइन पोजीशन में हो कि नहीं हो। ओके, वो यहाँ पे आ गया फीचर। तो इसमें कोई अंदर कैमरा तो लगा नहीं है, ये केवल गाड़ी की ड्राइविंग स्टाइल से लगा रहा होगा, या मे बी आपके क्लस्टर में कुछ लगाओ। अभी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ से डिटेक्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट डाटा के पास है ये मैकेनिज्म तो कर ही रहा होगा डिटेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाला आपका जो है वो जब आप चला रहे हो गाड़ी तब वो लेन लेन दिखाने लग जाता है। अच्छा, तो वही है, ये है व्हीकल इन्फो, तो DEF लेवल दिखा रहा है। ओके, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है और टॉर्क एंड पावर, अभी गाड़ी खड़ी है टॉर्क दिखा रहा है, जब चलेगी तो टॉर्क एंड पावर दोनों का वो दिखाएगा। आप एक्सीलरेटर प्रेस करोगे दिखा देगा। यस, देन ये जी फोर्स मीटर है, ये वाला पार्ट जो है यही वो है राइट जो मेरा जीपीएस भी वो करता है राइट, या ये कुछ और है? ये जी फोर्स मीटर है आपका, ये आपका जो ओवरऑल गाड़ी का जो फोर्स है हाँ, ये उसे बताता है, मतलब मैंने यूज नहीं करा बट तो जब हम ड्राइव करते हैं तो क्या ये कुछ? ये चेंज होता है अगर आप ब्रेक मारोगे तो, जो उसका आपका जो पहले वाला फीचर है जहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है वहाँ पे फोर्स बताता है कितने फोर्स से आप पे रुक रहे हैं। ओके, वो है फीचर। इसको मैंने यूज नहीं करा है बट जितना मेरी टेक्निकल नॉलेज है, मे बी शायद जब हम लोग ऑफ रोडिंग करें ना उस टाइम पे हमें इसका डेटा काम में आएगा बिल्कुल, कि हमें कितने एंगल से मोड़ रहे हैं, कितनी फास्ट मोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें। ओके, ये तो डेट एंड टाइम है। ओके, वापस चलते हैं, नोटिफिकेशंस हैं ये तो आपके। ओके, अभी कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। ये रहा नेविगेशन, ये वही कंपास है, ये वही कंपास है जो इनबिल्ट है इन नॉर्थ डायरेक्शन, हम नॉर्थ को तरफ। समझ गया। फिर एक है लेआउट, ये आपका डायल व्यू आप चेंज कर सकते हो। ओके, डायल व्यू, मिनिमल व्यू करोगे तो आपका जो ये मीटर है, हाँ, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका किलो, ये जो ओके स्पीडोमीटर का है, ये अलग अलग व्यूज है आपको कि कैसे देखना है। तो वहाँ पे क्लस्टर मीटर में इतना ही है,
बाकी आई थिंक बाकी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तब निकल के आती है, तब एडास और वो वाले फीचर्स दिखते हैं। तो वो नहीं, अब मैं यहाँ पे आपको एडास वाले दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर आपके एडास में हैं अवेलेबल। ओके, वो इन्होंने सारा सिस्टम यहाँ दिया है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये आपके एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सब आ जाएगा। देन आप आते हो सेटिंग्स में, आप यहाँ पे सारे सेटिंग्स ऑप्शन है। हाँ, ठीक है। देन आप आते हो ड्राइवर असिस्टेंस। अब ये सारे फीचर्स जो हैं ये एडास प्रोवाइड कर रहा है कि क्या क्या हमारे पास फीचर्स हैं इसमें। हाँ, तो आप देखोगे तो मैंने अभी क्या है जो इसकी कोलिजन वार्निंग सिस्टम है। हाँ, उसको मीडियम सेंसिटिविटी पे कर रखा है क्योंकि एडास जो है जैसे आप चला रहे हो गाड़ी। हाँ, तो वो अगर आप हाई करोगे तो बहुत ज्यादा ब्रेकिंग अपने आप यहाँ कोशिश करता है ब्रेक करने की। हाँ, आप लेन चेंज करोगे तो आपको कोलिजन के लिए वो बताएगा वार्निंग की। हाँ, हाँ, साइड से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट मीडियम ही आया था, मैं हाई करके चला रहा था कुछ दिन तक। ओके, बट अब मैंने वापस से मीडियम करा है बिकॉज वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके इसमें यहाँ पे आपका जो भी एडास सिस्टम लगा है, ब्रेक की आवाज आती है हल्की सी। हाँ, हाँ, कर से आवाज आती है और वो ब्रेकिंग अप्लाई कर देता है इसमें। और XUV700 के एडास में जो मुझे लगा, जो मेरा पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि हम जब गए थे उसकी टेस्ट ड्राइव लेने तो मेरे सामने बाय चांस एक एक्सीडेंटली ये गाड़ी आई, तो उसका जो था एकदम हार्ट स्टॉप हुआ। इसमें आपको कोलिजन के साथ साथ आपको वो जर्क नहीं फील होगा। ओके, मतलब मेरे साथ इसके साथ भी एक बार हो चुका है अभी, बट वो जर्क फील नहीं हुआ मुझे कि एकदम से गाड़ी ने ब्रेक मारी है। वो थोड़ा स्मूथ ब्रेकिंग था, बट मे भी ये डिपेंड करता हो कि आपका कोलिजन के अंदर टाइम कितना है। हाँ, राइट। और दूसरा तो, ये कि तब भी ये मीडियम पे था, तब ये मीडियम पे था। हाँ, तो मे भी वो भी हो सकता हाँ, है कि अगर आप उसको हाई पे कर दोगे तो मे भी ऐसा करता हो। दूसरा आपका ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। हाँ, करेक्ट। जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं बहुत ही सही काम करता है, क्योंकि ये शायद लास्ट स्टोर्ड वैल्यू अपनी जो है। हाँ, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स नहीं होता, बट ये फीचर्स हम इंडियन रोड्स पे वैसे भी रिलाय नहीं कर सकते, अभी रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि साइन बोर्ड्स की मे भी कोई पर्टिकुलर लेंथ होती हो, उसको डिटेक्ट करना होता है उसे। तो वो अभी इतना मुझे नहीं लगता, बट आज मैं पेरिफेरल गया था जी, वहाँ डिटेक्ट हुई थी। एंड आपका अंबाला वाली रोड पे भी 80 डिटेक्ट करके यहाँ पे शो करता है आपको स्पीड लिमिट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देन आपका हाई बीम असिस्ट है, राइट। ये तो सामने से कोई गाड़ी आती तो अपने आप से हाई बीम को, ये मुझे थोड़ा सा उन्होंने तो बना दिया फीचर, बट मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। हाँ, जहाँ मुझे हाई बीम की नीड थी सामने से जो गाड़ी आ रही थी, और मुझे उस समय नीड थी हाई बीम की, हाँ मुझे रोशनी चाहिए बिकॉज मैं अंधेरे वाली रोड पे था जी। तो वो वहां पे इसने खुद डिम कर दी लाइट। हाँ, तो वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, बट आप जो भी फीचर है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो उस फीचर को। देन लेन डिपार्चर वार्निंग है, जो कि आप जैसे ही लेन में चल रहे होगे। हाँ, ये आपको यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे थे वहां दिखाएगा, प्लस आपका मीटर पे भी एकदम इमीडिएटली शो करेगा। ओके, गाड़ी आपकी ऑफ आउट ऑफ लेन जाते हुए। डोर ओपन अलर्ट आपका, जैसे आप खोलोगे और पीछे से कोई कार आ रही है तो ये ऑरेंज यहाँ पे दोनों तरफ आइकन है। हाँ, तो ये आइकन्स मैं दिखा देता हूँ एक बार क्विकली। ये है वो आइकन, ये जो आप देख रहे हो, ये दिस वन, यही है वो आइकन। तो वो ऑन हो जाते हैं। देन आपका है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, आप इंडिकेटर ऑन करो लेफ्ट वाला। सो जैसे ही आपका होगा ये आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कैमरा आपका ऑन हो चुका है। ये तीन जो आप मार्कर्स दिख रहे हैं इसमें जी, ये है कि अगर आपका जो पीछे से व्हीकल आ रहा है अगर विद इन रेड रेंज है और आप अपनी गाड़ी टर्न कर दोगे तो दैट मींस आपकी गाड़ी हिट होगी। ग्रीन इज द सेफेस्ट ऑप्शन, नाइस। अगर ग्रीन से पीछे आ रहा है उसका जो भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है वो सेफ डिस्टेंस है आपको गाड़ी लेफ्ट या राइट मोड़ने के लिए, अदरवाइज दिस इज डेंजर, आपकी गाड़ी कोलाइड हो सकती है। बट इसमें इसका व्यू बड़ा प्यारा है, एक तो क्लैरिटी बहुत अच्छी है और दूसरा ये मेरे को ये भी दिखा रहा है कि ये मेरी गाड़ी का इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन है, राइट व्यू है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम डिटेल्ड है और जो क्रिस्प है। जैसे देखो मेरे को अपनी गाड़ी का पीछे वाला टायर तक दिख रहा है। एग्जैक्टली, मतलब जितनी दिक्कतें थी पुरानी वाली गाड़ी के साथ कि भाई 360 चाहिए, तो ऐसा लाके दिया है कि जबरदस्त है। हाँ, मतलब ये आई थिंक महिंद्रा से अच्छा ही लगा मुझे, मेरे को मैंने उसका भी देखा है। मैंने भी उसका देखा है और ऑब्वियसली वो क्रिस्पीनेस नहीं है। हाँ, और ऑब्वियसली वो इस स्क्रीन पे नहीं दिखाता, वो यहाँ दिखाता है, तो वो छोटा है और क्लैरिटी भी कम रहती है, वो यहाँ दिखाता है, इसमें फुल स्क्रीन में आ जाता है। अभी वैसे भी हम शाम हो चुके हैं, ये और ज्यादा क्लैरिटी होती है अगर आपका दिन का टाइम होता है, और इवन रात को भी है अच्छा खासा है इसके अंदर दिखता है। ये लेफ्ट वाला व्यू, लेफ्ट वाला व्यू आ गया, नाइस। देन आपका रियर कोलिजन वार्निंग है, जो कि एक फीचर जो है ये हमारे लिए नहीं है,
ये जो पीछे से आपको ठोकने वाला होगा हाँ. ये उसके लिए है. तो जैसे ही कोई बहुत पास आ जाता है एकदम, और ये डिटेक्ट करता है कि स्पीड से आ रहा है व्हीकल, जाम में आपको नहीं करेगा ये वार्निंग, बट इसको जैसे ही डिटेक्ट करेगा पीछे स्पीड से आया कोई व्हीकल और बिल्कुल पास आ गया, तो ये सारी जो है हजार्ड लैंप्स ऑन करके और बहुत फास्ट ब्लिंक करता है. ओके. ये इंडिकेटर मोड में नहीं करता ब्लिंक, बहुत ही फास्ट ब्लिंक करता है सो दैट अटेंशन में हो जाए जो भी आपके गाड़ी को ठोकने वाला है पीछे से. तो ये है ये फीचर. पर हमारे यहाँ लोग रुकते कहाँ हैं? हमारे रुकेंगे नहीं, बट इसका यूजेज जो है ये मेजरली आपका जो पीछे आ रहा है बंदा उसके लिए, क्योंकि इस केस में सिर्फ ये हजार्ड लैंप बहुत फास्ट ब्लिंक करता है सो दैट बंदे का ध्यान जाए और वो टेंशन में आ जाए. देन आपका ये पार्क असिस्ट के जो है ये सारे टोन फोन है, ठीक है. अब इसको हम एक बार वॉइस तो बहुत तेज है इसकी, वो आपके वो भी ऑप्शन है कि मैं आप कम ज्यादा कर सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं. मैंने जानबूझ कर रखे ताकि अलर्टनेस ज्यादा रहे. ओके. तो ये इसका रिवर्स कैमरा है जो कि राजेश जी बताएंगे कि उनकी गाड़ी से ज्यादा क्लियर है कि नहीं. बहुत ज्यादा क्लियर है, तो ऑब्वियसली इसकी आवाज बहुत ज्यादा है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा क्लियर है. मतलब ऑब्वियसली एक तो हमारी स्क्रीन जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो छोटी है, वो क्रिस्पी कम है, वो थोड़ा सा पिक्सल्स ज्यादा है. और दूसरा कि जो इसका क्लैरिटी है, जो कैमरे की भी क्लैरिटी, वो भी बहुत जबरदस्त है. ये देखो इन्होंने हमारे सामने आवाज कम करके भी दिखा दिया. आवाज कम तो या बहुत ही ज्यादा क्लियर. और ये मुझे दिखा रहा है कि ये बैक व्यू है. मैं अगर ये करूंगा तो देखो लेफ्ट व्यू दिखा रहा है, हमारी अपनी वाली गाड़ी दूसरी वाली खड़ी है, इस तरफ कुछ नहीं है. और फ्रंट पे दिखा रहा है कि अब देखो बढ़िया से सूरज डूबने वाला है और हम लोग सही जगह खड़े हैं. अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. हाँ, इसको ये अभी आप 2D में देख रहे हैं. ये 2D में है. अभी हम इसको ले जाते हैं. एक ये है कि आपकी ये दोनों कार जो है हाँ. ये उसके टायर्स का दिखा रहा है, कार okay. गायब कर दिया उसने हाँ. ये आपका लेफ्ट का व्यू है, ये आपका राइट का व्यू है. ये इसको करने से आएगा, वो फ्रंट का था हाँ जी, और ये आपका बैक का, ये बैक के दोनों टायर्स हाँ, आपकी गाड़ी माइनस करके जो व्यू आपके पास आ रहा है लेफ्ट राइट का, ये वो है. बहुत बढ़िया. अब आ जाते हैं इसके मेन फीचर में. हाँ, ये आ गया जी. ओ वाओ, 360. अरे लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो ब्लू है भाई. मैंने उससे पूछा था हाँ. तो उन्होंने बोला सर ये व्हाइट में ही आएगी. वैसे तो नहीं, सिल्वर है. हाँ, वैसे ये चीज बताऊँ, ये जो सिल्वर गाड़ी यहाँ दिख रही है हाँ. हमारे वाले पुराने वाले गाड़ी में भी यहाँ जो दिखता है वो भी सिल्वर ही दिखती है. अभी भी शायद सिल्वर ही, अगर आप वहाँ दिखाओगे, अगर मैं मोड चेंज करता हूँ हाँ. तो आपको ये यस ये वही दिखाते हैं. नाइस. तो इसके बारे में बात करते हैं अभी हम हाँ. अभी हम अपना नॉर्मल 360 के बारे में हाँ, पहले 360 कर लेते हैं. तो 360 इसका व्यू तो बहुत जबरदस्त है, व्यू अच्छा और एकदम ऐसे लग रहे हैं गाड़ी बिल्कुल बगल में खड़ी, एकदम सेम. और अगर आप जब चलाओगे इसको तो शायद मिनिमम कोई स्पीड है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाते ये 360 बंद कर देते हैं. okay. फिर आप अगर आप चलाओगे तो रियर व्यू ही दिखाएगा. okay. ये आपको सिर्फ इसलिए आप जाम कंडीशन में खड़े हो हाँ. क्योंकि इसका यूसेज भी वही है कि आप एक ब्लाइंड स्पॉट पोजीशन पे, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ से आपको ये तो अपने को पहाड़ों में टाइट स्पॉट में उन्हीं जगहों पे जरूरत पड़ेगी, उन्हीं लिए है. और मगर आप इसका जो स्मूथनेस है ना जबरदस्त है, बहुत है. अरे तो मैंने ऑटो एक्सपो में भी देखा था और उस समय से ही ऐसा दिमाग खराब हुआ था कि ऐसा दिमाग खराब हुआ है कि राजेश अपनी गाड़ी कह रहा है कि मेरे को बेच के नई वाली एडीएस वाली लेनी है. बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं ये 360 चाहिए, ये बहुत काम का है. तो वही जो हम सिस्टम की बात कर रहे थे, कोई लैग नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है. आपका व्यू देखो, पूरे सारे व्यूज इसने क्रिएट कर रखे हैं. अब इसमें हम आ जाते हैं फ्रंट व्यू, बैक व्यू, आपका ये साइड व्यू आ गया आपका. तो आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके कर सकते हो और इंडिविजुअल बटन भी आपके. तो अच्छा, एक बार आप ये वाला साइड व्यू लगाओ हाँ जी, और मैं अगर दरवाजा खोलूंगा तो दिखाएगा क्या? नहीं, ये ब्लैक कर देगा. क्योंकि वो उसका जो मिरर पे जो 360 कैमरा है वो काम नहीं हुआ. गॉट इट. हाँ, अभी ब्लैक हो गया. मैंने वापस बंद कर दिया. आपने गेट बंद नहीं हुआ शायद पूरा. अच्छा, यस, गेट बंद सही भाई. रिस्पॉन्सिव है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, इस पे काम किया गया. अच्छा, अभी जो फीचर्स हैं थोड़े बहुत एक्सप्लोर करते करते ना हमें एक चीज और पता चली, वो ये कि अपनी अपनी पुरानी वाली सफारी में जैसे यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन था, राइट. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 360 कैमरे वाला है, राइट. अगर मैं दिखाऊं तो जिसको क्लिक करते ये 360 दिखा देता है, इसको फिर से क्लिक करूंगा बंद हो जाएगा. हमारे पास यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन है और हम लोग बड़ी देर से वही ढूंढ रहे हैं कि इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल करने का ऑप्शन कहाँ है. वो कहीं तो होना चाहिए, बट अभी मेरे को तो ऐसा कोई बटन दिखा नहीं है.
करेक्ट। तो पुरानी सफारी में हिल असिस्ट वाला है, यहीं पे ही है, यहीं पे ही है। ये मोड्स भी सारे यहीं है और यहाँ ट्रैक्शन ऑफ का है, तो मे बी इसमें होगा कुछ ट्रैक्शन ऑफ करने का ऑप्शन, या फिर यहाँ होगा डिवाइस के अंदर या व्हीकल के अंदर, वो एक बार थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मे बी व्हीकल इन्फो में, इन्फो में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट कहीं तो होगा, तो वो एक बार हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए काम हो गया, हम ढूंढ के बताएंगे कहाँ है, क्योंकि बिना उसके सफारी पूरी थोड़ी मानी जाएगी। तो ये आपका हो गया सब कुछ, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नई वाली सफारी में आपका यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आ जाता। सो इसमें मैं बताता हूँ कि जो डार्क एडिशन था सफारी का, उसमें आता था, उसमें उन्होंने वायरलेस वाला हटा रखा था सिर्फ उसमें, बाकी एडवेंचर परसोना खरीदूं मैं टॉप मॉडल, मैं नॉर्मल खरीदूं टॉप मॉडल, सब में होता है, लेकिन डार्क में नहीं था, क्योंकि डार्क ऐसे ही बिकती है, तो वो चाहते भी थे कि भाई किसी रीजन से लोग दूसरी गाड़ियां खरीदें, लेकिन अब उन्होंने उसमें भी डाल दिया है, और ऑब्वियसली अपनी तो ये दूसरे कलर वाली है तो इसमें तो है ही है, बट ये इतना पावरफुल नहीं है जैसा रितेश जी बोल रहे हैं, इतना पावरफुल नहीं है, पावरफुल नहीं है, चार्ज करेगा आपको हाँ, बट इतना पावरफुल नहीं है, इवन अगर आपने बैक कवर लगा रखा है हाँ, तो ये चार्ज नहीं करता। करेक्ट, ये मैंने अभी ट्राई करके देखा और ऑलरेडी एक लेयर है इसके अंदर, एक रबर की लेयर है, तो आपको शायद हटानी पड़ेगी, हटाना पड़ता है इसका कवर, तब ये चार्ज करता है इसको। ठीक है, सो आज के लिए आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आज हम इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको नहीं दे रहे हैं, ड्राइविंग वाला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और अब हम जो है इस वाले वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, और आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज पूछना, और हम इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाला वीडियो है विथ एडास एंड एवरीथिंग, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बिल्कुल, और इसका जो एडास है वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, तो क्योंकि मैं बहुत जगह ट्राई कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन बहुत ही प्रॉम्प्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी से चलता है पूरा। अगर हम एक क्विक दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि डैश का इसका कहां कहां पे सेंसर्स लगे, वो हम आपको फटाफट एक बार बाहर से दिखाते हैं। जी चलते हैं बाहर। हाँ जी, सो एक तो एडास आई थिंक ये है राइट, हाँ ये रडार सिस्टम है आपका। ओके ठीक है, ये और यहाँ पर बढ़िया कैमरा भी लगा हुआ है, 360 कैमरा आ गया, एक इसका जो कैमरा बेस्ड रडार है वो आपका यहाँ है इस पैनल पे। ओ यस दिख रहा है, वो दो जगह है और इसका रडार पीछे भी है, जैसा कि राजेश से मुझे पता चला है कि इसके अंदर पीछे भी है, जो कि मुझे नहीं पता था। एक इधर है हाँ, जो कि बैकवर्ड कोलिजन और सब डिटेक्ट करता है, दूसरा इधर है, तो टोटल तीन रडार सिस्टम है, और ऑब्वियसली कैमरे तो आप देख ही रहे हैं। बाकी अच्छा एक चीज मेरे को और दिखानी थी, वो ये कि गाड़ी में केवल 4x4 डालने की कमी है, अगर आप देखो और अच्छे से देखो तो गाड़ी का आप आर्टिकुलेशन देख रहे हो ना, कैसा जबरदस्त आ रहा है। हमने डिवाइडर पे खड़ी करी, हमने डिवाइडर के ऊपर खड़ी करी है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए इस पे चढ़ा के खड़ी करी है, और आर्टिकुलेशन बहुत जबरदस्त है। आपको चाहो तो मैं इस वाली का भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो गैप कितना ज्यादा है राइट, यहाँ देखिए कितना ज्यादा गैप है, और ये देखिए कैसे गाड़ी खड़ी है, और यहाँ देखिए ये पूरा नहीं आ पा रहा है, तो आर्टिकुलेशन है, बस 4x4 सिस्टम डालने की कमी है, एक शाफ्ट की कमी है पीछे जो 4x4 कर देगा इसको, बस अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी की डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, बस आपको बताना पड़ेगा कि और क्या जानना है, जो जो आप बताओगे वो हम बताते रहेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड हमारे ट्रिप्स लगते रहेंगे दोनों सफारी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियोस भी हमारे आते रहेंगे। बाय बाय, गुड बाय।